हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए डे एट लेकर के आए हैं डेली टाइम टेबल का। तो डेली टाइम टेबल फॉलो करना है जिन लोगों को, वो डे एट टाइम टेबल है। आज आठवां दिन है टाइम टेबल का और बहुत बेहतरीन टाइम टेबल मैं आप लोगों को फॉलो करा रहा हूँ। आप लोगों का दिन शुभ हो और इसी बेस्ट विशेष के साथ मैं आज के दिन की शुरुआत करता हूँ डे एट की, बिना टाइम वेस्ट किए। जितने लोग SSC स्टेनोग्राफर 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वो डे वन से लेकर के डे एट तक की वीडियो पड़ी हुई है। आपका डेली शेड्यूल कैसा हो, डेली टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए और किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम के PDF में आपका नाम हो, रिजल्ट वाले PDF में, उसके लिए आपको पढ़ाई कैसे करनी पड़ेगी, इसकी मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। जरा देखिए आप इंग्लिश की वीडियो में, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है डेली 20 मिनट, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है डेली 20 मिनट। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपके पैसेज और क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हमने कल दिया था 15 मिनट करने के लिए, आज हमने दिया है 20 मिनट करने के लिए। तो 20 मिनट आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, ठीक है। तेजी से वर्ड्स को पढ़ना है ना। दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय में अंतर है ना, और है क्या कि टाइम कम लग रहा है। तो ऐसे आप जब डेली खूब तेजी तेजी से न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो आपके वर्ड्स जो आप बोल रहे हैं वो कम समय में कवर होंगे, और जब कम होंगे तो आप पूरे पैसेज को जल्दी पढ़ ले जाएंगे, और जब जल्दी पढ़ ले जाएंगे तो पैसेज करने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। ऐसा पढ़िए कि आप तेज भी पढ़िए और समझते भी जाइए, दो चीज़ें देखनी है। ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये भी नहीं करना है। आपको इतना तेज पढ़ना है कि आपको समझ में भी आए और आप पढ़ते भी जाएँ, ठीक है। चलिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ना है और फ्रेजल वर्ब में आज आपको फाल और पास, फेल पास नहीं, फॉल, जैसे फॉल आउट, ठीक है, और फॉल ऑफ। तो इस तरीके से फॉल और पास, पास ऑफ, ओ डबल एफ वाला, पास ऑफ, पास आउट, पास ऑन, पास अवे, इसका फ्रेजल वर्ब जो है वो आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। ये रिवीजन आप किसी भी बुक से करते हैं। अगर आपके पास MB पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें आगे जो है वो फ्रेजल वर्ब की लिस्ट दी गई है। आपके पास प्लिंथ टू पैरामाउंट है तो वहाँ से कर सकते हैं। तीसरा है प्रैक्टिस, प्रोनाउन की प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रोनाउन जो है वो चैप्टर हमने 2-3 दिन में कवर कराया है आप लोगों को। हमने कहा था कि 2-3 दिन में आप प्रोनाउन पढ़ लीजिए। अब आपको उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस आप प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू मैम की बुक से कर सकते हैं, या अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो कोई आपके पास नोट्स है या वहाँ से कोई बुक प्रोवाइड कराई गई है तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। या किसी भी बुक से, आप जो भी बुक है आपके पास, मिरर ऑफ कॉमन एरर हो या कोई भी बुक हो, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। प्रोनाउन की प्रैक्टिस करनी है, प्रोनाउन की प्रैक्टिस के बाद आपको नाउन की प्रैक्टिस करनी है। नाउन हमने डे वन डे टू में नाउन ही बताया था, तो आपको छोड़ नहीं देना है कि रूल भूल जाए। आपको धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो हमने 20 क्वेश्चन आज का टारगेट दिया है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। एक्टिव पैसिव 10 से 15 तक करना है एक्टिव पैसिव, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी 10 से लेकर के 15 तक करना है। ये होने के बाद आपको ईडीएम जो है वो 31 से 40 ईडीएम करना है। 31 से 40 ईडीएम करने के बाद आपको 10 से 20 तक रिवाइज भी करना है, यानी 31 से लेकर के 40 तक ईडियम पढ़ना है। कहाँ से पढ़ेंगे आप? MB की बुक, जो भी बुक हो, सीरियल वाइज 1, 2, 3, 4 है तो 1, 2, 3, 4 डे 1, डे 2 में कवर हो चुका है। हम 31 पे पहुंचे थे, 31 से 40 तक हम कवर करेंगे, ठीक है। और 1, 2, 3, 4 में 10 to 20 जो है वो रिवीजन करेंगे। साइनो और एंटो जो है वो आपका 71 to 80 साइनो एंटो आपको वो याद करने हैं, यानी कि 71 से 80 71 to 80 साइनो और 71 to 80 एंटो याद करना है। और 20 से 40 क्वेश्चन जो है वो रिवीजन करना है, ठीक है। साइनो का मतलब साइनोनिम्स और एंटो का मतलब एंटोनिम्स। कई लोगों ने मैसेज किया साइनो क्या होता है, तो भाई उसको शॉर्ट में ऐसे बोल दिया जाता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट आपको एक करने हैं, पैसेज रहने दीजिएगा आज, ठीक है। कल हम पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों ऐड करवा देंगे। थोड़े थोड़े चेंजिंग लानी है ताकि आपका डे जो है मोनोटोनस ना हो, कि जो कल पढ़ा था वैसे आज ही पढ़ते चले गए, ठीक है। हर दिन कुछ नया चैलेंज, जैसे कि आज पहले हमने रीजनिंग लिखा है। रीजनिंग में आपको रैंकिंग के कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। वहाँ से आप रैंकिंग जो है वो उसके कॉन्सेप्ट पढ़िएगा आज, पूरी वीडियो देख करके या आधी वीडियो देख करके, जितने भी आपके पास टाइम हो। सीरीज के 10 से 15 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। सीरीज तभी स्ट्रांग होगा जब आप डेली क्वेश्चन को लगाएंगे। सीरीज का कोई कॉन्सेप्ट अलग से बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अलग से नहीं आता है, उसकी प्रैक्टिस जरूरी। इसलिए मैं सीरीज को ऐसे पकड़ लिया हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ। 10 से 15 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। पेपर कटिंग 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन आप लगा दीजिएगा, ठीक है। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हमने कल दिया था आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, आज आपको 20 से 30 क्वेश्चन उसके लगाने हैं, ठीक। अगर आप लर्नर हैं, बिगनर हैं, तो आप बिगनर्स के लिए 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन लगाइएगा, अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट कर लीजिएगा। अगर आप पहले अभी तैयारी आपने नहीं की है तो स्टार्टिंग है। GS में आ जाएं तो आपको हिस्ट्री में जैन धर्म जो है वो आप पढ़ चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं किसी भी बुक से, चाहे वो पिनाकल की बुक हो या किरण की बुक हो, या किरण पिनाकल या घटना चक्र की बुक हो, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको जैन धर्म में जो प्रीवियस ईयर बुक होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, वहाँ से जैन धर्म के में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ, जितने भी क्वेश्चन जैन धर्म से रिलेटेड SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं वो लगाने हैं। 16 महाजनपद और उनके नाम और उनकी राजधानी याद करनी है, ठीक है। पॉलिटी में आ जाएँ तो पॉलिटी में आर्टिकल हमने कल दिया था 20, 21, 22, 23, 24, 25, और आज याद करना है आपको 26, 27, 28, 29, 30 5 आर्टिकल, 5 अनुच्छेद के बारे में आपको पढ़ना है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अपने आप कवर हो जाएगा। आप
जियोग्राफी में आपको टाइगर रिजर्व याद करना है, कल हमने झील दिया था, लेक दिया था, इंपॉर्टेंट लेक, तो उसे आप रिवीजन कर लीजिएगा। और टाइगर रिजर्व असम और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं ये याद करने हैं, कल हम किसी और हिमाचल प्रदेश का देंगे और कहीं अलग अलग, ठीक है, देंगे। इकोनॉमिक्स में आपको 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, आपने पहले दिन पहली दूसरी तीसरी याद की थी, फिर चौथी पांचवीं छठवीं सातवीं, और आज आठवीं नौवीं दसवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे और पुराना रिवीजन करेंगे। मिसलेनियस में इंटरनेशनल बाउंड्रीज, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और 8 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिसलेनियस लूसेंट में दी गई हैं, तो वहां से याद करेंगे। हम ये भी साथ साथ बताते चल रहे हैं कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ से याद करनी है, जैसे कि साइनो एंटो जो है वो आप ब्लैक बुक से, या आपके पास कोई भी बुक है तो उससे याद कर सकते हैं। ब्लैक बुक इज द बेस्ट बुक ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर फॉर एनी एग्जाम, एनी कम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, बेस्ट बुक है, या राकेश यादव सर की रीजनिंग की बुक आती है उसको भी ले सकते हैं। हिस्ट्री जो है वो जो हमने जैन धर्म बताया है, पॉलिटी बताया है, ये आप क्लास नोट्स से, और अगर आपके पास कोई क्लास नोट्स नहीं है तो आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी इकोनॉमिक्स में टाइगर रिजर्व और पंचवर्षीय योजना जो हमने दिया है, ठीक है, वो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। मिसलेनियस जो है हमने दिया है वो लूसेंट से ही दिया है, तो हिंदी इंग्लिश वाले ध्यान रखें। इंटरनेशनल बाउंड्रीज आप लूसेंट मिसलेनियस में जाइएगा, देखिएगा, जो मिलेगा उसे पढ़ते चले जाइएगा। डेली रिवीजन के लिए हो गया ये, अब आपको एक चार्ट बनाना है और वहाँ पे लिखना है कि आप टुडेज एनालिसिस कैसे करें, जैसे कि मैं कराता हूँ। उसके लिए आपको करना है कि इंग्लिश में क्या छूट गया, कौन कौन से, लिखिएगा कि कौन कौन से साइनोनिम भूल रहे हैं, कौन कौन से इडियम्स भूल रहे हैं, है ना, कौन कौन से फ्रेजल वर्ब भूल रहे हैं, ये 3 पॉइंट आप लिखिएगा, है ना। उसके बाद आपको क्लोज टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, ठीक है, हमने कहा था कमेंट करके बताइएगा आपकी गलत क्यों हो रहे हैं। रीजनिंग में भी कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा, कौन सा छूट गया। देखिए आप जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चार चार सब्जेक्ट आप डेली लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा दिमाग पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। एक बार हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा टाइगर रिजर्व पढ़ लेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ेगा, इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें मेंटेन होती रहेंगी। तो आप इस तरीके से पढ़ते रहिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ गॉड से कि आपका दिन बहुत ज़्यादा शुभ हो, आप बहुत अच्छे तरीके से पूरे डे के टाइम टेबल को फॉलो करें, और शाम को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पूरा दिन कैसा रहा। थैंक यू सो मच।